कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से मेरे 10 सवाल हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे के वादे का समर्थन करती है? तो वो बताए, क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति आतंकवाद के युग में धकेलने के JKNC के निर्णय का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस कश्मीर के युवाओं के बदले पाकिस्तान के साथ वार्ता करके फिर से अलगाववाद को बढ़ावा देने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पाकिस्तान के साथ LOC ट्रेड शुरू करने के नेशनल कॉन्फ्रेंस के निर्णय से फिर से बॉर्डर पार से आतंकवाद और उसके इकोसिस्टम का शोषण करने का समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल लोगों के परिजनों को फिर से सरकारी नौकरी में बहाल करके आतंकवाद, दहशतगर्दी और बंद के दौर को फिर से लाने का समर्थन करती है? इस गठबंधन से कांग्रेस पार्टी का आरक्षण विरोधी चेहरा सामने आया है। क्या कांग्रेस दलितों, गुज्जर, बकरवाल और पहाड़ियों के आरक्षण को समाप्त कर फिर से उनके साथ अन्याय करके JKNC के वादे के साथ है? क्या कांग्रेस चाहती है कि शंकराचार्य पर्वत, तख्त ए सुलेमान और हरि पर्वत कोए ए मारन के नाम से जाने जाएं? क्या कांग्रेस जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से भ्रष्टाचार की आग में झोंक कर पाकिस्तान समर्थित गिने चुने परिवारों के हाथ में सौंपने का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस पार्टी JKNC के जम्मू और घाटी के बीच भेदभाव की राजनीति का समर्थन करती है? क्या कांग्रेस और राहुल गांधी कश्मीर को ऑटोनॉमी देने के JKNC की विभाजनकारी सोच और नीतियों का समर्थन करते हैं? अगर ये सारी बातें हैं तो देश की जनता को, देश के हर नागरिक को सोचने की आवश्यकता है कि जिन स्थितियों में भारत का मुकुट जम्मू कश्मीर के अंदर इतने दिन से, जो हमारे देश के सैनिक और जो शहीद हुए हैं उन्होंने कश्मीर के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, ये आखिरकार कांग्रेस के क्या मंसूबे हैं, कांग्रेस क्या करना चाहती है देश के अंदर, इसके बारे में देश के हर नागरिक को विचार करने की आवश्यकता है। आज मैंने आप सभी को इसके लिए, क्योंकि कल आपने देखा था कि जिस तरह से ये गठबंधन और गठबंधन पर ये सारी बातें जो वहाँ की परिवारवादी पार्टियों ने कही हैं और कांग्रेस उसका समर्थन करती है, निश्चित रूप से कांग्रेस का चेहरा सामने, देश के सामने आया है। ये मैं आप लोगों के बीच में कहने के लिए उपस्थित हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।